हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल नेहा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बढ़िया सी रेसिपी। तो ये रेसिपी ऑलमोस्ट सबको पसंद आती है, जिसका नाम है पास्ता। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत बार ये डिश बनाती हूँ और उनको ये बहुत पसंद आती है। और मुझे लगता है कि पास्ता का नाम आते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी एज के बच्चे को ले लो, बड़े को ले लो, किसी भी एज के बंदे को ले लो, ये रेसिपी सबको पसंद आती है। तो मैंने सोचा कि ना मैं आज आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। तो गाइस, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है या नहीं की है। बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका एक छोटा सा एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट देगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको पास्ते को बॉईल कर लिया है और इसमें मैंने पानी में हल्की सी हल्दी और नमक डाल दिया था, ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है, थोड़ा येलो येलो आया है। वो किस वजह से है? क्योंकि मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी। और देखिए, मैंने इसको जैसे ये बॉईल हुआ, मैंने इसके अंदर ठंडा पानी डाल दिया था, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये देखिए अलग अलग है। और हमने इसको है ना बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, हमने इसको हाफ बॉईल किया है। इसको बिल्कुल हलवे की तरह नहीं कर देना है, जिसकी वजह से ये फिर बहुत गंदा लगेगा। तो गाइस, मैंने इसमें मैक्रोनी और ये वाला शेप वाला पास्ता लिया है। अदरक और लहसुन को इसका पेस्ट बना के रखा हुआ है, क्योंकि अदरक और लहसुन का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है और ये नुकसान भी नहीं देगा। और मैंने बारीक बारीक बहुत सारी प्याज को कट कर लिया है। ये देखिए, बहुत सारी प्याज काट ली है मैंने, क्योंकि मुझे पास्ता हो या फिर इस टाइप की मैगी हो, मुझे इस चीज़ में ना प्याज के बिना मेरा काम नहीं चलता है। थोड़ा सा मटर भी लिया है, ये देखिए, क्योंकि मेरे बच्चों को और मुझे मटर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने घर में जो सब्जी अवेलेबल थी सिर्फ वही डाल रही हूँ अभी। और टमाटर ऑलरेडी मैं काट चुकी हूँ, ये देखिए। और कढ़ाई में तेल, मैं तेल में ही बनाऊंगी, मैं इसको ज़्यादा क्रीमी या वो टेक्सचर नहीं दूंगी, बिकॉज मैं बनने के बाद मेरे बच्चे उसमें मेयोनी डालते हैं, तो इस वजह से मैं उसमें क्रीम नहीं डाल रही हूँ, ना ही मैं इसको बटर में बना रही हूँ, ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसको ऑयल को गर्म कर लिया है, ये गर्म होने वाला है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, क्यूमिन सीड्स, एंड ये मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि मैंने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है इसको वैसे मैंने कूटा है, प्रॉपर इसका पेस्ट नहीं बनाया, वो मैं इसके अंदर डालती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन, इसको ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल ज्यादा नहीं, इसका जो कलर है वो बस लाइट सुनहरा गोल्डन आना चाहिए। ऑलमोस्ट गोल्डन का हो चुका है, भुन चुका है। तो अब मैं इसमें ये टमाटो डालूंगी, और इसमें मेरी बॉईल की हुई मटर, सभी को पसंद है पास्ता, तो मैंने सबके लिए ही बनाया है। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने जब पास्ता बॉईल किया था तो मैंने उसके अंदर भी हल्दी डाल दी थी।
और मैं हल्की सी रेड चिली से हल्की थोड़ी डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं वो ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं, और क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिलीज डाली हैं तो उनका भी काफ़ी स्पाइसी टेस्ट आएगा। अब हम इसे अच्छे से मसाले को भून लेंगे। गाइज एक ये सीक्रेट मसाला है सीक्रेट क्या, पिज्ज़ा मसाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, सैंडविचेस में, मैगी में, और ज़्यादातर खिचड़ी वगैरह में भी मैं डाल देती हूँ, तो इसके मुझे खुशबू बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा इसमें ये डालूंगी, और बच्चों को तो पसंद आएगा ही, थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी टमाटो केचप। पहले चेक कर लेते हैं हमारा मसाला। इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा एंड उसका कलर। तो अब बारी है हमारी इसमें पास्ता डालने की। हमारा मसाला एकदम रेडी है। हम इसमें डालेंगे पास्ता। तो अब हमने इसमें डाल दिया है पास्ता एंड मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, जो भी वेजेस हैं इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो गाइस रेडी है ये पास्ता। इसको मैंने देखिए व्हाइट तिल से थोड़ा सा गार्निश किया है, और इसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चे मेयोनीज डालकर खाते हैं, इसीलिए मैंने इसको क्रीमी नहीं बनाया था पहले से ही। आप ही ट्राई कीजिए ये रेसिपी, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।